हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ पोटैटो चिली मंचूरियन। इसको मैंने बहुत बेसिक तरीके से बनाया है। मैं बना ही रही थी तो मैंने सोचा आपके संग शेयर कर दूँ। मैंने ज़्यादा कुछ उसमें लंबे प्रोसेस नहीं दिखाए हैं, छोटे छोटे क्लिप्स डाले हैं वीडियो के। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज ले ली हैं, जैसे कि मैंने शिमला मिर्च लिया है, ओनियन। इनको मैंने दो तरीके से काटा है, एक बिल्कुल छोटा छोटा और एक थोड़ा बड़ा साइज में। फिर मैंने जिंजर गार्लिक ले लिया है, चिलीज, थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन, कैरेट, थोड़ी सी बीन्स और थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लिया है। फिर मैंने दो मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए थे, उनको सिंपल तरीके से काट लिया था। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। और मैंने उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच और 1 चम्मच मैदा और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया था। क्या होता है ना, लोग इसको पहले बॉइल करते हैं फिर ये सब चीज़ें डालते हैं तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप इसको जस्ट ऐसे ही अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया। इसको हल्का गोल्डन कलर आने तक हमें इसको डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारे पोटैटोस फ्राई हो गए हैं, 10 मिनट्स के अंदर ये हो गए थे। उसके बाद मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक और थोड़ी सी चिलीज डाल दी। नेक्स्ट मैंने इसमें जो छोटी छोटी सब्जियाँ काटी थी, प्याज, कैप्सिकम और कैरेट, पहले हम उसको डालेंगे इसमें और 2 मिनट के लिए मिलाएंगे अच्छे से। जैसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, एक क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में, तो इसलिए हम बस थोड़ी देर ही इनको पकाएंगे। उसके बाद हमने इसमें अपने बड़े जो प्याज और शिमला मिर्च काटी थी उसको ऐड कर दिया, उसको भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। बस एक हल्का सा कलर आ जाए, एक क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में, तभी ये मंचूरियन खाने में अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट हमने इसमें थोड़ा सा केचप 2 चम्मच और 2 चम्मच चिली सॉस डालकर अच्छे से मिला दिया है इसको भी। सबको बस एक एक मिनट के लिए ही हमें मिला के पकाना है। फिर हमने इसमें अपना 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच वाइट विनीगर डाल के फिर हमने इसको अच्छे से पकाया 2 मिनट के लिए। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसके ऊपर। उसके बाद हमने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई थी। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो सॉस है उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा तो वो और अच्छा दिखेगा। तो अभी ये स्लरी अच्छे से मिक्स हो गई है पूरी सब्जियों में। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, एटलीस्ट 1 गिलास पानी हमें इसमें ऐड करना है। उसके बाद इसको ढक देना है। तो 5 मिनट आप इसको ढकने के बाद देखेंगे तो स्लरी ऐसी हो जाएगी, इसका टेक्सचर बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये। फिर उसके बाद हमें इसको और 2 मिनट तक ही पकाना है। तो हमारी मंचूरियन की जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है। इसमें हमने स्प्रिंग ओनियन डाल दिए हैं थोड़े से और थोड़ा सा धनिया। ये कितना अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद हमने अपने पोटैटो डाल दिए। इसके बाद हमें गैस बंद कर देनी है, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी रेडी है पोटैटो चिली मंचूरियन। ये डिश जितनी दिखने में अच्छी लग रही है उतने खाने में भी बहुत टेस्टी थी। हमने इसको सिंपल जीरा राइस के साथ खाया था। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के संग खा सकते हैं, पराठा, रोटी, पूरी, जो भी आपको अच्छा लगता हो। हमें, मुझे तो राइस पसंद है इसलिए मैंने राइस के संग खाया था। फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी ऐसी क्विक रेसिपी लेकर मैं आपके संग आती रहूँगी। क्या है ना कि कुछ लोग दिखाते हैं कि उन्होंने वेजीज कैसे काटी, कौन कौन से मसाले यूज़ करे, तो वो सब मैं नहीं दिखाती। मैं डायरेक्ट जो डालती हूँ वेजीज पहले ही काट के रख लेती हूँ, किससे वीडियो छोटी और टाइम कम मिले। तो आपको अगर मेरी ये डिश पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।